नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेम्स वर्ल्ड में। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे बादल नाम का मतलब और बादल नाम के राशिफल के बारे में। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि बादल नाम के लड़कों के लिए कौन सा अंक शुभ होता है और बादल नाम के लड़के कौन से क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे कि बादल नाम के लड़कों का व्यक्तित्व कैसा होता है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बादल नाम का मतलब। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि बादल का अर्थ होता है बादल, यानी कि जो आसमान में बादल होते हैं उसे हम लोग बादल कहते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बादल नाम के लड़कों के लिए शुभ अंक की बात करें तो आप सभी को बता दें कि बादल नाम के लड़कों के लिए शुभ अंक 11 होता है। दोस्तों, धर्म की बात करें तो आप सभी को बता दें हिंदू धर्म में लड़कों का नाम बादल होता है, और चूँकि बादल नाम का काफ़ी अच्छा अर्थ है और बादल नाम जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, यही कारण है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का नाम बादल रखते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि बादल नाम के लड़के कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप सभी को बता दें कि बादल नाम के लड़के अपना करियर सेना में या आर्किटेक्ट में, अस्त्र शास्त्र में, शिक्षण के क्षेत्र में बना सकते हैं जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बादल नाम के लड़कों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आप सभी को बता दें कि बादल नाम के लड़के होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी पसंद आती है, यानी नए नए जो आविष्कार होते हैं वो जो हैं इनको काफ़ी पसंद आती हैं। दोस्तों, बादल नाम के लड़के अपने आसपास ज़्यादा सफाई पसंद करते हैं और इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपने आप में काफ़ी फेमस होते हैं। दोस्तों, ये खास बातें थी बादल नाम के लड़कों के बारे में। अगर आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नाम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।